बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे। ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है। दोस्तों, आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। सबसे पहले उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम 2001 में आई हुई वीर सावरकर इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी फिल्म है जिसे पब्लिक डोनेशन से बनाया गया था। इसमें सबसे पहला योगदान लता मुकादम जी ने दिया था, जिन्होंने अपनी सोने की चुड़िया इस फिल्म के लिए दान दी थी। इसके अलावा 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 5 रुपये से लेकर के 50 लाख रुपए तक का अपना योगदान दिया था। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस फिल्म के लिए फंड जमा करने के लिए US में एक लेक्चर दिया था, जिसके जरिए उन्होंने 30 लाख रुपए का फंड जमा किया था। इसके अलावा आशा भोसले जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, अनूप जलोटा जी, इन जैसी कई सारी महान हस्तियों ने भी इस फिल्म में अपना इस फिल्म के लिए फंड जमा किया था, फंड रेज किया था। ये फिल्म मशहूर गीतकार सुधीर फड़के जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके अलावा चुपके चुपके, अभिमान, आनंद, इन जैसी यादगार फिल्में हमें देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी जी, बासु भट्टाचार्य जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, वेद राय जी, इन जैसे कई बड़े बड़े और नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर्स ने भी इस फिल्म को बनाने में अपना योगदान दिया था। 28 मई 2012 को उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री यानी हमारे मोदी जी, उनने इस फिल्म का गुजराती वर्जन विमोचन किया था, जो केवल DVD पर ही रिलीज हुआ था। 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब केवल भारत के मुख्य मुख्य 6 शहरों में ही इसे चुनिंदा थिएटर्स में ही रिलीज किया गया था। और वीर सावरकर या फिर अजय देवगन जी की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इन जैसी फिल्में उस समय केवल अटल जी की सरकार थी, इसी वजह से शायद रिलीज हो पाई होंगी, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में बहुत ही साहसी और बोल्ड है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप आखिर तक पूरा जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत होती है 1910 पेरिस से, जहाँ पर सावरकर जी मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल जी से भारत को लौटने को लेकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन सब उनको समझाते हैं कि अभी आपका भारत जाना ठीक नहीं है, ये आत्महत्या के समान होगा। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभी ना भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो ठीक कहते हो, अगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। लेकिन सावरकर जी उन सबको कहते हैं कि अभी मेरा भारत में जाना बहुत जरूरी है, यही सही समय है मातृभूमि के लिए बलिदान देने का। ये जो 1910 का समय था, ये सावरकर जी के जीवन का सबसे कठिनाइयों से भरा समय था, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ में उनके जीवन में इस समय हुई थी। वो घटनाएं कौन सी है वो हमें फिल्म में बाद में दिखाया जाता है। इसके बाद में सावरकर जी पेरिस से लंदन आने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, और फिर फिल्म हमें फ्लैशबैक में लेकर के जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी के रिकमेंडेशन पर सावरकर जी लंदन में गए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के वहाँ पर वो रहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी वहाँ पर जो भारतीय युवा लंदन आते थे क्रांतिकारी, उनको रहने की सुविधा देते थे। वे युवा वहाँ पर पढ़ाई भी करते थे और साथ में ही क्रांति के कार्य को भी आगे बढ़ाते थे। उनमें मदनलाल धिंगरा जी, मैडम कामा, लाला हरदयाल जी, बापट, अय्यर, हरनाम सिंह जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी, ऐसे कई सारे क्रांतिकारी थे। लंदन में रहकर सावरकर जी भारत में पिस्तौल भेजना, बम मैनुअल्स भेजना, भारतीय युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्रांति की ज्वाला उनके अंदर जगाने के लिए अलग अलग प्रकार का साहित्य भेजना, इसके लिए उन्होंने मेजनी की आत्मकथा का भी मराठी में अनुवाद किया था। उसमें क्रांति के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया था, और उस जो अनुवाद उन्होंने किया था, उसकी प्रस्तावना जो उन्होंने लिखी थी, वो भारतीय युवाओं के लिए एक मंत्र के समान उस समय हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, उस पर भी एक किताब लिखी थी। वो साहित्य भी उन्होंने लिखकर भारत में भेजा, लेकिन वो प्रदर्शित हो, उसकी छपाई हो, उसके पहले ही अंग्रेज सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। ये दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जो प्रदर्शित होने से पहले ही, छपने से पहले ही उस पर बैन लग गया था। इस प्रकार के तो कई सारे सावरकर जी की किताबों पर अंग्रेज सरकार ने बैन लगाया था, उनको छपने ही नहीं दिया गया, उसकी छपाई हो तो उन साहित्य को जला दिया गया था। अब सावरकर जी ने ये जो पिस्तौल और बम मैनुअल्स भारत भेजे थे, इसी के जरिए नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या हुई थी। और जो ये पिस्तौल और बम मैनुअल भारत में लेकर के गया था, चतुर्भुज उसका नाम है, वो सरकारी गवाह बन गया था। इस वजह से अंग्रेज सरकार सावरकर जी के ऊपर बहुत गुस्सा थी, बौखला गई थी वो बिल्कुल। और जब सावरकर जी के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर बम मैनुअल्स मिले, और बाबा राव सावरकर जी, सावरकर जी के जो बड़े भाई थे, वे सावरकर जी की किताबों को, साहित्य को, अलग अलग प्रकार के और देशभक्ति पर कविताओं को प्रिंट करते थे, छपवाते थे, युवाओं में बंटवाते थे।
और ये बम मैनुअल भी उनके घर पर मिला था, तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध पुकारने के जुर्म में बाबा राव जी को ऑलरेडी कालापानी की सजा दे जा चुकी थी जब सावरकर जी लंदन में थे। उसी समय उनके बड़े भाई को कालापानी में भेज दिया गया था। जो सावरकर जी की पत्नी थी और उनकी भाभी यानी बाबा राव जी की पत्नी, इनको भी घर से बाहर निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया गया था और घर पर ताला लगा दिया गया था। इतने ज़्यादा उनके परिवार पर अत्याचार उस समय हुए। जो सावरकर जी के ससुर जी थे उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा सावरकर जी का उस समय जो इकलौता बेटा था उसकी भी उस समय मृत्यु हो गई थी। इतनी सारी घटनाएं 1910 के समय सावरकर जी के जीवन में हुई थी। इसके अलावा सावरकर जी ने जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला ध्वज बनाया था, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, एक साइड में नीचे सूर्य था और एक साइड में चांद था, ये ध्वज मैडम कामा जी ने जर्मनी की स्टुटगार्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था। एक बहुत बड़ी घटना थी, पूरी दुनिया के मीडिया ने इस घटना को कवर किया था। इस वजह से जो लंदन में कर्जन वाइली नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था जो ये सारी जासूसी करता था वहाँ के क्रांतिकारियों की और खबरें ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाता था, ये कर्जन वाइली की वजह से ही ये सारी घटना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रांतिकारियों के लिए खड़े हो रहे थे। भारत में भी जो पिस्तौल बम मैनुअल्स भेजे गए थे, ये घटना भी कर्जन वाइली की जासूसी की वजह से ही पता चली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इन सारी घटनाओं की वजह से क्रांतिकारियों के अंदर एक बहुत गुस्सा था कर्जन वाइली को लेकर। इसके बाद में सावरकर जी से प्रेरणा लेकर ही मदनलाल धिंगरा जी ने कर्जन वाइली का गोलियां मारकर वध कर दिया था। इस घटना के बाद में वहां पर कुछ लोग, जिनमें कुछ भारतीय भी थे, वे मदनलाल धिंगरा जी के खिलाफ ही प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। देखिए बताइए, क्योंकि उनके हिसाब से मदनलाल धिंगरा जी ने जो कर्जन वाइली का वध किया था ये निंदनीय था, पर सावरकर जी इससे बहुत गुस्सा हो गए और वे उस जगह पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से विरोध किया। इसके बाद में उन पर हमला भी हुआ, उनको मारा भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित नहीं होने दूंगा। इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने मदनलाल धिंगरा जी को फांसी की सजा सुनाई। फिर जब सावरकर जी उनसे जेल में मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मदनलाल धिंगरा जी से सावरकर जी ने कहा कि मुझे आपके चेहरे पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का तेज नजर आ रहा है। इसके बाद में मदनलाल धिंगरा जी फांसी के फंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वे कहते हैं कि भारत माँ की सेवा करना भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा के समान ही है। और फिर फिल्म में सावरकर जी का सागरा प्राण तलमला ये गीत हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है और इस सीन के समय हमारी आंखों से सच में आंसू रुकते नहीं हैं। एक साथ में उस समय हमारे उनमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये बलिदान देखकर, वीर सावरकर जी के परिवार पर जो अत्याचार अंग्रेज सरकार ने उस समय किए थे, बाबा राव सावरकर जी जो युवाओं में ये साहित्य बंटवाते थे देशभक्ति पर कविताएं या उनको जागरूक करने के लिए, क्रांति की ज्वाला उनके अंदर जगाने के लिए जो साहित्य वो बंटवाते थे, उसके लिए पैसे वो उनकी जो पत्नी थी और उनकी भाभी यानी सावरकर जी की पत्नी, इनके गहने बेचकर वो पैसे जमा करते थे युवाओं में वो साहित्य बंटवाने के लिए, उनके अंदर क्रांति की ज्वाला जगाने के लिए। और बस इसी वजह से बाबा राव सावरकर जी को कालापानी की सज़ा में भेज दिया गया था। और अब सावरकर जी इसके अगले सीन में हमें पेरिस से लंदन वो पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक से फिल्म अभी वर्तमान में आ जाती है और वहां पर उतरते ही अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है लंदन में। इसके बाद अंग्रेज सरकार उन्हें भारत शिफ्ट करने के लिए कहती है। फिर जहाज से जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तब उनकी वो जहाज से समुन्द्र में मारी गई ऐतिहासिक छलांग दिखाई जाती है। टॉयलेट का जो डक्ट होता है, जो छोटी सी एक विंडो जैसा होता है, उसकी कांच को तोड़कर उन्होंने वहां से समुन्द्र में छलांग लगाई थी। पूरे शरीर पर कई सारी खरोच आई थी और उसके बाद में इतने नमक वाले पानी में, इतने खारे पानी में जब उन्होंने छलांग लगाई होगी, सोचिए उनके शरीर को कितनी पीड़ा हुई होगी, समुन्द्र में वो भी, वहाँ से तट कितना दूर था, लेकिन फ्रांस के तट तक तो वो पहुँच गए कैसे भी करके, लेकिन फिर से वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस बीच में मैडम कामाजी ने सावरकर जी के परिवार को पैसे भी भिजवाए थे। इसके बाद में सावरकर जी के लिए मुंबई में एक विशेष अदालत का गठन किया गया जहाँ पर सावरकर जी पर दो मुकदमे चलाए गए। सबसे पहला मुकदमा जैक्सन की हत्या के लिए हथियार भिजवाने का और दूसरा मुकदमा अंग्रेज सरकार के खिलाफ किताबें लिखना, साहित्य का अनुवाद करना, उसे बांटना, पर्चे बांटना, संगठन बनाना। इन दोनों ही मुकदमों में, दोनों ही आरोपों में अंग्रेज सरकार ने सावरकर जी को दोषी बताया और दोनों ही आरोपों में उन्हें दो बार 25-25 साल की कालापानी की सज़ा सुनाई, यानी पूरी 50 साल की कालापानी की सज़ा। अब आप ही सोचिए, मतलब अंग्रेज सरकार किस प्रकार से सावरकर जी से डरी हुई थी, किस प्रकार से बौखला गई थी वो सावरकर जी की वजह से। इसी वजह से उन्हें स्वतंत्र वीर कहा जाता है। इसके बाद में सावरकर जी को जब अंडमान के सेलुलर जेल में भेजा जाता है, उस कालापानी की सज़ा में जो उन पर और वहाँ पर क्रांतिकारियों पर अत्याचार हुए थे, वो देखकर सच में खून खौल उठता है। उन अत्याचारों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सावरकर जी को तो डी साइन मिला हुआ था, यानी डेंजर,
उन्हें सबसे आखिर वाले काल कोठरी में डाला गया था। उनकी कोठरी के बाहर भी एक कोठरी थी, यानी डायरेक्टली खुले में भी नहीं थे वो, इतना अंदर उनको डाला गया था। और ऐसे वैसे बस डालकर छोड़ नहीं दिया गया था, वो जो बेड़िया होती है ना पैरों से लेकर के गले तक, गले में ऐसा गोल राउंड होता है और दोनों पैरों में भी बेड़िया होती है, और उन दोनों पैरों के बीच में भी वो ज़्यादा पैर दूर ना कर पाए इसके लिए एक बीच में एक रॉड होता है और वो पूरा कनेक्टेड होता है। यहाँ से ठीक से चल भी नहीं पाता आदमी, झुक झुक कर धीरे धीरे से चलना पड़ता है, उसमें उनको बांध कर रखा जाता था। ऊपर से दिन भर उनसे नारियल को छिलवाया जाता था, वो भी हाथों से। उनको टारगेट दिया जाता था कि इतने नारियल आपको निकालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं कर पाते थे उनको बहुत उनको और मारा जाता था। और ये नारियल छीलने के बाद में नारियल का तेल निकालने के लिए कोलू में इन कैदियों को जोता जाता था, और दिन में उनको 30-30 पाउंड तेल निकालने के लिए कहा जाता था। जब तक नहीं निकालते थे तब तक उन पर टॉर्चर, अत्याचार उन पर किए जाते थे। 30 पाउंड तेल निकालने के बाद ही उनको छोड़ा जाता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, खाने में कीड़े होते थे। खाना खाने से पहले उनको हाथ भी धोने को नहीं देते थे, पानी पीने को नहीं देते थे। और ये कोलू चलाते समय अगर कोई गिर जाए तो उसे और ज़्यादा मारा जाता था, और ज़्यादा पीटा जाता था। ठीक से खाना नहीं, मेडिकल की ठीक से सुविधा ही नहीं, बीमार पड़ जाए तो भी उनसे और काम करवाया जाता था। इस वजह से किसी को पेचिस हो जाए, जुलाब हो जाए, और अगर ज़मीन पर ही वो जुलाब कर दे, नीचे गंदा हो जाए, तो और ज़्यादा उनको पीटा जाता था कि गंदा कैसे किया। और ये सारे अत्याचार करने के बाद भी हाथ तक उनको धोने नहीं देते थे। इन अत्याचारों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस की काला पानी की सज़ा सावरकर जी ने 10 साल से भी ज़्यादा समय तक वहाँ पर, वो काला पानी की सज़ा ये उन्होंने भुगती है 10 साल से भी ज़्यादा समय तक, जहाँ पर आप और हम जैसे लोग 1 घंटा तक नहीं रह सकते। फिर भी आज कुछ लोग सावरकर जी का मजाक उड़ाते हैं, वो देखकर सच में, चलिए छोड़िए। ये सारी घटना डेविड बैरी नाम के जेलर के समय सबसे ज़्यादा हुई। सावरकर जी कवि थे लेकिन लिखने के लिए उनके पास में कुछ था नहीं, लिखने तो वो देते नहीं थे, तो दीवार पर वो कुरेत कुरेत कर कविताएँ लिखते थे। अभी भी सेलुलर जेल वहाँ पर आप वो देख सकते हैं जहाँ पर सावरकर जी को रखा हुआ था। दीवार पर कुरेत कुरेत कर वो कविताएं लिखते थे। देखिए, जिन लोगों ने स्वतंत्रता का पूरा श्रेय खुद लिया, देश को एक बपोती जिन्होंने समझा, उनको कैसे जेलों में रखा जाता था, उनको कैसी व्यवस्थाएं दी जाती थी लिखने के लिए, चलिए ये भी छोड़ दीजिए। सावरकर जी के सामने इंदुभूषण नाम के क्रांतिकारी ने सेलुलर जेल में आत्महत्या कर ली थी। सावरकर जी के भी मन में कई बार आता था ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर वो अपना संकल्प याद करते थे जो उन्होंने बचपन में लिया था माँ भवानी के सामने। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वो अपना प्रेरणा स्थान मानते थे, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने माँ भवानी के सामने ये संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति लाऊंगा। और उस संकल्प को याद कर वो अपने उस आत्महत्या वाले विचार को दूर कर देते थे। आज भी नासिक के भोगर में उनके निवास स्थान पर वो जगह है, माँ भवानी की वो मूर्ति भी है जहाँ पर सावरकर जी ने यह शपथ ली थी। और यही संकल्प, यही शपथ उनको अंदर से हिम्मत बंधाता था। और साथ में ही जो दूसरे कैदी थे उनको भी वो प्रेरित करते थे, उनके अंदर भी क्रांति की ज्वाला जगाते थे, उनको भी वो हिम्मत बंधाते थे। और उनके कहने पर ही वहाँ पर फिर कैदियों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया था। नानी गोपाल नाम का एक 16 साल का क्रांतिकारी, उसको भी डेविड बैरी नाम के जेलर ने कोलू में जोत दिया था। उसके खिलाफ कैदियों के अंदर बहुत गुस्सा था। उसको कोलू में जोतने के बाद में सावरकर जी ने अपना खाना छोड़ दिया था, उपवास शुरू कर दिया था हड़ताल के लिए। इसके बाद कमिश्नर को जो एक खत लिखा गया था जेल से, ये सारी बातें जब ऊपर पता चली तो उसके बाद फिर जो नानी गोपाल था जो बच्चा, उसको खाना खाने के लिए कहा गया। उसको खाना खिलाने के बाद सावरकर जी ने फिर खुद खाना खाया। इतना ही नहीं, सावरकर जी जब सेलुलर जेल में गए थे तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स के साथ में भेदभाव किया जाता था, हिंदुओं का धर्मांतरण भी वहाँ पर हो रहा था, इसका भी सावरकर जी ने विरोध किया था। ये सारी बातें, ये सब जो अत्याचार वहाँ पर क्रांतिकारियों के साथ में, सावरकर जी के साथ में हो रहा था, ये सारी बातें जब बाहर लोगों को पता चलने लगी देश में, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ने लगा, एक समर्थन सावरकर जी के लिए बढ़ने लगा। 75,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे सावरकर जी को वहाँ से छुड़वाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, इनके कहने पर अंग्रेज सरकार ने सावरकर जी को सेलुलर जेल से छोड़ा, यानी उनकी सज़ा ख़त्म नहीं की, केवल अंदमान से उनको भारत में लाया गया, दो शर्तों पर, कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे और कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बाल गंगाधर तिलक जी के कहने पर वे भारत में आए दो शर्तों पर, इसको कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने दया मांगी,
माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों के सामने। यानी किस प्रकार का ये दोगलापन है मुझे समझ में नहीं आता। अरे सावरकर जी के पैरों की धूल भी हम नहीं बन सकते। उन्होंने जो योगदान दिया है ना स्वतंत्रता के लिए, इस देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी सावरकर जी कालापानी में 10 साल, 4 साल रत्नागिरी के जेल में और 13 साल हाउस अरेस्ट में, यानी नज़रबंदी, नज़र कैदी बनकर वे रहे। यानी पूरे 27 साल सावरकर जी जेल में रहे। फिर भी कुछ लोग आज सावरकर जी को अपमानित करते हैं। अब जब वे कालापानी की सज़ा में थे तब उनके जो बड़े भाई थे बाबाराव जी, वे भी वहीं पर थे। उनके पहले से कालापानी की सज़ा में हुए थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था बाबाराव जी को कि सावरकर जी वहाँ पर है। उनको पहले कई महीनों तक मिलने भी नहीं दिया गया था। बहुत बाद में उनको पता चला कि बाबाराव जी वहाँ पर, सावरकर जी वहाँ पर है। जब वे कालापानी में सेलुलर जेल में थे तो बाबाराव जी की जो पत्नी है उनका भी देहांत हो गया, वे भी शरीर छोड़कर चली गई, लेकिन उनको कभी मिलने भी नहीं दिया गया, उनको पता भी नहीं चला। जब 12 साल के बाद में वे अपने परिवार से मिले, सावरकर जी की पत्नी जब आई मिलने के लिए, तब उन्होंने बताया कि बाबाराव जी की पत्नी का देहांत हो गया है। जब सावरकर जी हाउस अरेस्ट में थे तब उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारना के कार्य किए। उन्होंने जातिवाद का, छुआछूत का बहुत ही प्रखर रूप से विरोध किया। इसके लिए पतित पावन विट्ठल मंदिर में उन्होंने आंदोलन किया था। वहाँ पर जो दलित भाई है हमारे, उनको मंदिर में ले जाने के लिए बहुत विरोध हुआ। आप वो सीन ही देखिए फिल्म का। आज अगर पेशवाई होती तो इस सावरकर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। हम उसे अपने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं करने देंगे। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको, आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? ये कैसी विडंबना है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। चार वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो, अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, हाँ, आगे बढ़ो। बोला पुंडलिक के बंदे। हाँ।
और केवल पतित पावन विट्ठल मंदिर ही नहीं, इसके अलावा बच्चों को शिक्षा या फिर दलित भाइयों के साथ में सहभोज आयोजित करना, इस प्रकार के कई सारे समाज सुधारना के कार्य उन्होंने किए। पर गांधी जी जातिवाद के समर्थन में थे, उनका कहना था कि जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहिए। पर सावरकर जी जातिवाद के पूर्ण रूप से विरोध में थे। अब सावरकर जी और गांधी जी इनके बीच की चर्चा आप सुनिए। समय हो गया है, गांधी जी कभी विलंब से नहीं आते। बाबा राव, तुम इन लोगों को यही रोक कर रखना, कहीं गांधी जी को असुविधा ना हो। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! कैसे हैं आप? आइए। सावरकर की जय! आइए। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता, नमस्कार। शिंदे जी संघ कार्यकर्ता है, सेठ भागो जी कीर छुआ छूत निवारण के लिए काम कर रहे हैं। आइए। मेरी धर्मपत्नी, सावरकर से अधिक तो आपका बलिदान है। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया, वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं, वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। चार वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझ कर, भले बुरे का विचार करके, अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा,
देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे। और इसके अलावा सावरकर जी जब रत्नागिरी की जेल में थे, उस समय गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, उसको लेकर सावरकर जी ने जो बातें कही थी या जो उनके विचार थे, और हिंदुत्व का सही मतलब क्या है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसको मतलब इसका जो सही अर्थ उन्होंने बताया है, ये सीन आपको जरूर देखना चाहिए। आ जाओ। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की, 2 उम्र कैदे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए, क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया, फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है, एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके
कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सार्वभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सिखों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। इसके अलावा सावरकर जी जब नजरबंदी में थे तब भी पुलिस कई बार उनके घर पर आकर तलाशी लेती थी। जो उनका साहित्य होता था, जो किताबें पर्चियां आदि, ये सारी चीजें वो जब्त करके लेकर के जाती थी। इतना खौफ था तब भी अंग्रेजों के मन में सावरकर जी के लिए। इसके अलावा भगत सिंह जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने भी वीर सावरकर जी से प्रेरणा ली थी। देखिए, हम सभी जानते हैं हमें आज़ादी अहिंसा से नहीं तो नेताजी की आज़ाद हिंद सेना की वजह से मिली है, और नेताजी ने सावरकर जी से मिलने के बाद में ही आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की थी। अब वे जब मिले थे उस समय क्या चर्चा हुई थी, आप खुद सुनिए। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है, और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। राज बिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हाँ इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। राज बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है, अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। तुम्हें देखने की इच्छा थी तात्या, अब सुख से जाऊंगा। बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे। ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है। यानी देखिए, नेताजी ने उस समय कहा था कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर जी ही दूरदृष्टा है। इसके बाद में जो नहीं होना चाहिए था वो होता है, जिसका दर्द, जो तकलीफ आज भी हर भारतवासी के अंदर है, भारत माँ के दो टुकड़े होना। इसके बाद फिल्म में हमें एक तरफ विभाजन की वजह से लोगों की दुर्दशा, उनकी वो पीड़ा दिखाई जाती है, और उसी समय दूसरी तरफ भारत की आज़ादी के बाद तिरंगा फहरता हुआ हमें दिखाई देता है। दोस्तों, हर भारतवासी को वीर सावरकर ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। सावरकर जी के विचारों को कभी भी हमारे इतिहासकारों ने सामने लाया नहीं, हमेशा सावरकर जी पर अन्याय हुआ है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस फिल्म को पहुँचाएँ, इस जानकारी को पहुँचाएँ। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस फिल्म को आप ज़रूर ज़रूर देखिए। मैं वीर सावरकर इस फिल्म को दूंगा 10 out of 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व,